मेरी कुटिया में क्यों कर आएंगे? उस बेचारी के मन में सतत एक भाव है, हो मैनू पूजा पाठ दा वलना कोई वलना, मेरे विच कोई गुणा वाली गल ना कोई गल। कैसे आ जाएंगे प्रभु मेरी कुटिया पे? तो सबसे पहला गुण जो भगवान को आकर्षित करता है वह है विनम्रता, वह है दैन्य। जब आपको स्मरण ना हो अपने गुण का, जिस पर हमारे डोंगरे बापा कहते थे कि जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है, जिसे भगवान कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं, जिसे भगवान स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं, उसे सब में गुण का दर्शन होता है और स्वयं में दोष का दर्शन होता है। ये कसौटी है भक्तों की, संतों की। मैं तो सदा निवेदन करता हूं कि साधक कौन है? जो सावधान है, जिसे आत्मनिरीक्षण करना आता है, जिसे आत्मविश्लेषण करना आता है। आप जीवन में आप नित्य प्रति किसी दिन भजन से भले चूक जाएं, कोई चिंता नहीं। किसी दिन आप न कर पाए अपना नियम पूरा, कोई चिंता नहीं। लेकिन दो घड़ी, एक घड़ी और आधी में भी आध, आपके जीवन में कुछ क्षण ऐसे अवश्य होने चाहिए जिसमें आप स्वयं को देखें, जिसमें आप स्वयं का निरीक्षण कर पाए, जिसमें आप स्वयं का विश्लेषण कर पाए। साधक के जीवन में ये गुण अवश्य होना चाहिए। जिसे जीवन को साधना है, जिसे प्रभु के निकट जाना है, उसे स्वयं को देखना आना चाहिए, उसे स्वयं को निरीक्षण करना आना चाहिए। और भगवान जिस पर कृपा दृष्टि करते हैं, जिसे प्रभु स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं, वो हृदय कैसा होता है? वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सूरदास जी से जब प्रथम मिलन में कहा कि कुछ सुनाओ, तो सूरदास कहने लगे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कुछ और सुनाओ। तो कहते हो सब पतितन को राजा, बोले कुछ और सुनाओ, तो हो सब पतितन को नायक। वल्लभाचार्य महाप्रभु कहने लगे, अरे सूर होकर क्यों घिघियाता है, कुछ प्रभु का यश गा। बोले आपकी कृपा के बिना प्रभु की लीला की अनुभूति कैसे हो, और प्रभु की लीला की अनुभूति हुए बिना प्रभु का यश कैसे गाऊं। वल्लभाचार्य महाप्रभु सूरदास जी के दैन्य पर रीझ गए, सूरदास जी के हृदय की इस विनम्रता पर रीझ गए। नहीं तो सूरदास जी तो आशु कवि हैं, वो जन्म सिद्ध कवि हैं, तत्काल थोड़ी सी कविता रचते और सुना देते। पर जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, असत्य की भूमि पर खड़े होकर सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना किसी भी दृष्टि से संभव नहीं है। आपके जीवन में कोई गुण हो ना हो, कितनी सुंदर सटीक धर्म की परिभाषा संत कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके जीवन में सत्य का व्रत है, उसे किसी और तप की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी और धर्म की आवश्यकता नहीं है। जिसके जीवन में सत्य का व्रत है, जिसके जीवन में सत्य के प्रति आदर है, जो सत्य के प्रति निष्ठावान है, उसे किसी अन्य धर्म की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है। वो हाथ में माला पकड़े ना पकड़े उसकी इच्छा है, वो मंदिर में भगवान की मूरत के सन्मुख झुके न झुके उसकी इच्छा है। जिसके जीवन में सत्य का आदर है, जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है, सत्य ही है जो आपके उर अंतर को। कभी आपने विचार किया है कि क्यों जब जीवन में प्रतिकूलता आती है आपका विश्वास डगमगा जाता है, क्यों आप भूल जाते हैं, क्यों उस समय आप भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, धर्म को धारण करने के लिए जीवन में सत्य और सदाचार का बल होना आवश्यक है। धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं है। सबसे सरल क्या है? जो कार्य मैं कर रहा हूं वो सबसे सरल है। आप इसे कोई मेरी बहुत कोई बहुत बड़ी महानता ना समझिएगा, ये तो सबसे सरल कार्य है। उपदेश करना सबसे सरल कार्य है। किसी भी बात को पढ़कर मैंने आपको सुना दिया। मैं तो कहता ही हूं कि आए थे मुंड मुंड आए भजन को, और सिर की मिट गई खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। इससे सरल और इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं।
आपको दो चार बात आती हो और दो चार गीत गुनगुनाने आते हो, तो बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी के लिए भी एक योग्यता चाहिए, यू नीड एन एलिजिबिलिटी, लेकिन यहां बैठकर उपदेश करने के लिए आपको किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। अब आपके पास थोड़ी सी बुद्धि हो बस, पर होगा क्या, आप असत्य से संसार को छल सकते हैं। और मैं तो कहता हूं साहब दूर क्यों जाते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, सुख की कलियां और दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई पर मन से भाग ना पाए। आप तो स्वयं को नहीं छल सकते, आप छलकर स्वयं से नहीं भाग सकते। तो जीवन में यदि यदि इस पथ के पथिक होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, ये मूलभूत मांग है इस पथ का पथिक होने की, ये मूलभूत आवश्यकता है कि आपके जीवन में सत्य के प्रति आदर हो। इसीलिए आप जो श्रवण करते हैं उसे जीवन में धारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा हूं ये परम सत्य है, सत्य की भूमि पर ही सत्य की प्रतिष्ठा संभव है। आप भगवान का पूजन करने, अभिषेक करने बैठते हैं तो पूछिए, पहले अंग न्यास होता है, कर्म न्यास होता है, देवो भूत्वा देवता यजेत, देवता होकर देवता की पूजा आराधना की जाती है। ठीक ऐसे ही सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना करने के लिए पहले जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा आवश्यक है। बुद्धि का, विवेक का अगर अगर सर्वतो भावेन कोई सदुपयोग है तो वो बस यही है कि आप सत्यनिष्ठ हो जाए। भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ी, किसके लिए? सत्य के लिए। जब भीष्म पितामह ने प्रण किया कि प्रभु आपसे अस्त्र शस्त्र मैं उठवाऊंगा, तो भगवान ने कहा आपके सत्य के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने को बाध्य हूं, तत्पर हूं। तो ये सबसे पहला गुण है जो भगवान को आकर्षित करता है, वह है दैन्य, वह है विनम्रता। और दूसरी बात कि शबरी के मन में ये आशंका है कि मेरी मेरी कुटिया में कैसे प्रभु पग धर देंगे। अधम ते अधम हीन मैं नारी, मैं सर्व सर्व भांति साधन हीना, क्या है मेरे पास, न जाति न कुल न विद्या न बुद्धि न बल, कुछ भी तो नहीं, मैं सर्व साधन ही। और शबरी के पास एक संपत्ति और है जिसके कारण भगवान को बाध्य होना पड़ा आने के लिए। शबरी के पास एक संपत्ति और है, और वो संपत्ति क्या है? उसे उसे अपने गुरु के वचन में श्रद्धा है। उसका एक उसकी बुद्धि कहती है भगवान नहीं आएंगे, लेकिन उसका हृदय कहता है भगवान आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव कहकर गए हैं। मैं अपनी ओर देखती हूं तो मुझमें ऐसा कोई गुण नहीं जो जो इस जन्म और जीवन में मुझे भगवत चरणारविंद का दर्शन हो, लेकिन मेरे सदगुरु समर्थ हैं। इसीलिए महाराज बड़ी सुंदर बात वाणी में फरमाते हैं, अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु जहाज तारे पोपार, गुरु सेवा जमते छुटकार, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, वो जो गुरु जाते जाते कह गए थे कि तू प्रतीक्षा करना, तू कहीं मत जाना, तू केवल यहीं प्रतीक्षा करना। देखा जाए तो शबरी के पास क्या साधन है, उसे तो उस समय हाथ में माला पकड़ने का भी अधिकार नहीं है। हीन कुल में उत्पन्ना है, नीच जाति है, अशुद्ध देह है। शबरी का साधन क्या है? पंथ निहारूं और डगर बुहारूं और भी मार्ग जोए।
ऐसी स्थिति हो गई शबरी की प्रतीक्षा करते करते कि हवा चलती है, बयार बहती है, पत्ता हिलता है और शबरी को लगता है ये प्रभु के चरण कमलों की ये ध्वनि है, ये प्रभु के आने की आहट है। रोम रोम राममय हो गया शबरी का प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते करते। फल किसका है ये? इस फल के मूल में बीज क्या है? मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि कहाँ जल देंगे आप जिससे ये समग्र वृक्ष हरा भरा रहे, इसका मूल क्या है? इसका मूल है सदगुरु के वचन में श्रद्धा और विश्वास। जैसे जैसे श्रद्धा बलवती होती चली जाएगी वैसे वैसे विश्वास सुदृढ़ होता चला जाएगा। कुछ तो है उस राजपूत रमणी के हृदय में कि हाथ में विष का प्याला है और वो लाने वाली उदा कहती है कि ये चरणामृत नहीं है, विष है। और मीरा का विश्वास कहता है कि नहीं, ये विष नहीं चरणामृत है। क्यों? क्योंकि एक तो मैं इसे अपने प्रभु के चरणों में निवेदन कर चुकी, इस पर मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ी है, और दूसरी बात अगर ये सत्य भी हो कि ये विष है तो मीरा के विश्वास में और मीरा के गिरधर की कृपा में इतनी सामर्थ्य है कि वो हाथ में आने वाले किसी भी विष को अमृत कर दे, वो हाथ में आने वाले किसी भी विषैले विष को वो प्रेम के अमृत में बदल दे। इतनी सामर्थ्य मीरा के भाव में, मीरा के विश्वास में और गिरधर की कृपा में है। जैसे जैसे श्रद्धा बलवती होगी वैसे वैसे विश्वास सुदृढ़ होगा। इसीलिए मुझे तो लगता है कि जो मंगलाचरण है, देखो एक बात मैं आपको और निवेदन कर दूं क्योंकि ये बहुत गंभीर प्रसंग है। जब आप लोगों ने मुझे कहा था यहाँ ये भाव की चर्चा करने को तो पहले मैंने विचार किया क्योंकि बहुत गंभीर प्रसंग है, कोई कथा कहानी नहीं है कि मैं आज इसका आरंभ करूंगा और दो चार दिन में आपको सुना के चल दूंगा। ये भाव तो केवल साधक के लिए है जिसके जीवन में साधन है, जिसे जीवन में साधन में प्रणत होने की इच्छा है, जो जीवन में साधक होना चाहे उसके लिए ये भाव श्रवण करने की वस्तु है। ये कथा कहानी या मन के रंजन का विषय नहीं है, इसके लिए चिंतन और मनन अपेक्षित है, इसके लिए बड़ी सावधानी युक्त श्रवण अपेक्षित है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बीज है नवदा भक्ति के भाव का, ये श्रद्धा और विश्वास की भूमि पर डाला जाएगा, अन्यथा ये फलीभूत नहीं होगा। आपको अनुशासन की बाड़ लगा के रखना पड़ेगा, आपको भजन के जल से इसे सींचना पड़ेगा, तब इसमें नन्हा सा अंकुर आएगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि इस पथ का अगर किसी को पथिक होना है, इस यात्रा का यदि आरंभ करना है तो मंगलाचरण क्या है, सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है? प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। संत सदगुरु जिसके जीवन में अनुभूति हो, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि एक और रखिए अपने ज्ञान का दंभ। जब आप सुनने के लिए आते हैं, पहली भक्ति श्रवण है, श्रवणम, जब हम सुनने के लिए आते हैं तो कैसे आइए? तो कबीर कहते हैं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। भूल जाइए आप इससे पहले क्या जानते हैं, आपने इससे पहले क्या सुना है। मुझे स्मरण आ जाते हैं बार बार हनुमान जी महाराज, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को कथा श्रवण की विधि सीखनी हो तो हनुमान जी सा सुंदर श्रोता और तीनों लोकों में कोई नहीं। राम कथा सुनिबे को रसिया, कैसे कैसे आते हैं वो कथा में, आपने श्रवण किया होगा गोस्वामी जी महाराज की कथा में। तुलसीदास जी को जब भगवत दर्शन की इच्छा हुई तो एक प्रेत ने कहा, तुलसीदास जी नित्य कर्म के लिए जाते थे और एक पीपल के पेड़ के नीचे जल डाल देते थे, उस पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था, तुलसीदास जी द्वारा डाले जल से उस प्रेत को तृप्ति होने लगी। एक दिन प्रेत सन्मुख प्रकट हुआ कि आपके डाले गए जल से मैं तृप्त हूं, क्या कर सकता हूं? तो गोस्वामी जी ने कहा मुझे तो भगवत दर्शन के अलावा अब कोई और इच्छा नहीं है, हो सके तो मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। तो प्रेत ने कहा भगवान का दर्शन कराना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं आपको युक्ति बता देता हूं। तो कैसे? बोले अमुक स्थान पर नित्य राम कथा होती है और श्री हनुमान जी महाराज नित्य उसका श्रवण करने आते हैं,
उनके चरण पकड़ लीजिए, और जब तक वो आपको दर्शन कराने का वचन न दें तब तक छोड़िएगा मत। तो गोस्वामी जी ने कहा उन्हें पहचानूंगा कैसे? प्रेत ने कहा बड़ा सरल है, बोले एक तो वो सबसे पीछे बैठते हैं छिप कर, सजल नेत्र होते हैं उनके, आंखें उनकी अश्रु से भरी रहती हैं, वाष्पवारी परिपूर्ण नेत्रम, आंखें सजल रहती हैं, सबसे पीछे कहीं एकांत कहीं किसी कोने में बैठे होंगे जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े, और बहुत सुंदर भेष धारण कर कर नहीं आते, अमुक स्थान पर कोढ़ी का भेष धर के हनुमान जी आते हैं स्वयं को ढक कर कि कोई उन्हें देख ना ले। सिखाते हैं हनुमान जी कथा श्रवण की विधि। अभी तो क्या होता है ना, आप लोग तो आते हैं तो पहले आप लोग दरवाजा देखते हैं, कौन से दरवाजा से सबसे आगे आकर बैठे कथा सुनने के लिए जाना है, सब हमको देख लें, हम सबको देख लें, तो ऐसे आते हैं आप कथा में। मेरे यहां पर तो मैंने ये रोग पनपने ही नहीं दिया, नहीं तो क्या होता है कथा में भी क्या मिल रहा है। कितने लोग शंभू जी से पूछते हैं, बोले आपकी कथा का वीआईपी पास कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा वीआईपी पास, हम सबसे आगे आगे जाकर बैठ जाएं। आप स्वयं को छिपाकर स्वयं को दुराकर बैठते हैं हनुमान जी, और कैसे बैठते हैं, जैसे आज पहली बार कथा में आए हैं, वो जन्म जन्मांतर से कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा रूपी रसायन ही श्री हनुमान जी महाराज का जीवन है। जब भगवान जाने लगे और कहा कि पवन पुत्र आप कलयुग के अंत तक इस धराधाम पर रहेंगे, तो हनुमान जी तो सेवक हैं, और सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, स्वामी की इच्छा ही सेवक का धर्म है। बोले प्रभु सो तो रहूंगा पर आपके वियोग में ये देह धारण करना कठिन होगा। तो प्रभु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि जैसा प्रेम आपका हमारे चरणों में है उससे अनंत गुना अधिक प्रीति आपकी हमारी कथा में हो, आपके हमारे गुणानुवाद में हो। बस उस दिन से श्वास श्वास से उच्चारण करते हुए भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और जिस भावपूरित दशा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं कथा में, उसके लिए श्रीमद् भागवत कहती है वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनात। उनके जैसा एक भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है, तीनों लोक पावन हो जाते हैं ऐसे एक भक्त से, जिसके रोम रोम से प्रभु प्रेम का अमृत बहता हो, जिसकी आंखें सदा सजल रहती हो, हृदय सदा भरा रहता हो। तो प्रेत ने कहा वो इस प्रकार से बैठते हैं, वो किसी विशिष्ट आसन पर नहीं बैठेंगे, वो तो जहां सब लोगों की पादुका रखी रहती है ना, वो तो उन भक्तों की चरण धूल में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर उन्हें खोज लीजिएगा। और गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया। दुर्गंध आ रही थी उस कोढ़ी के देह से, कोई उस ओर जाता नहीं है। सिखाते हैं हनुमान जी विधि कि पहले तो भजन करना कठिन, फिर उसके बाद बचाना कठिन, और बचा लो तो फिर उसे पचाना कठिन। भजन को पचाना कठिन है, करने से भी अधिक है बचाना, और बचाने से भी अधिक है पचाना। स्वयं को दुराकर स्वयं को छिपाकर भक्ति अपने उर अंतर में भगवत दर्शन सिखाती है, बाहर प्रदर्शन सिखाती नहीं है भक्ति। भक्ति दर्शन की विधा है, प्रदर्शन की नहीं। और जैसे ही इस दर्शन को प्रदर्शन की वायु का झोंका लगता है, ये पुष्प मुरझा जाता है, ये फूल मुरझा जाता है। तो गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिए, हनुमान जी ने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, पर गोस्वामी जी जानते थे ये कौन है। और जब तक हनुमान जी महाराज ने वचन नहीं दे दिया दर्शन कराने का, तब तक गोस्वामी जी ने चरण नहीं छोड़े। आपको भी भगवत कृपा से अगर जीवन में कोई संत मिल जाए, क्योंकि समहात्मा सुदुर्लभा, मिलना सरल नहीं है, महत्संगस्त दुर्लभ हो, अगम्य हो, अमोघश्च,
भक्ति का सूत्र है। आपने और मैंने जो पाया है ना, थोड़ी सी दृष्टि उठाकर देखो, थोड़ी आंख और खोल कर देखो, जो सांसारिक उपलब्धि आपके और मेरे पास में है, उससे अनंत गुणा उपलब्धियां करके इस संसार में लोग आए और आकर चले गए, आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। पानी केरा बुदबुदा और ये तन ऐसो होए, आज कोई नाम नहीं जानता। इस संसार में अगर कोई वस्तुतः उपलब्धि कहलाने योग्य है कि आप आए और आपने उपलब्धि की, अचीवमेंट ऑफ लाइफ, तो वो ये कि आपको जीवन में कोई समर्थ संत मिल जाए, आपको जीवन में कोई सच्चा संत मिल जाए, जो जो अपने संग से, जो अपने संकल्प से, जो अपने स्वभाव से, तीर्थ आपके भाव से पवित्र करता है। गंगा के जल में कपड़ा धोने वाले को गंगा जल की पवित्रता पवित्र नहीं करती, गंगा के किनारे मल त्याग करने वाले को गंगा पवित्र नहीं करती। आप गंगा किनारे जाते, गंगा आपके भाव से आपको पवित्र करती है, तीर्थ आपके भाव से पवित्र करता है, संत अपने स्वभाव से पवित्र करता है, उसे आपके भाव की अपेक्षा नहीं है। सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, वो कुल्हाड़ी जो चंदन के वृक्ष को काटने गई है, सबसे पहले चंदन उसी को सुवासित करता है, सबसे पहले भर देता है चंदन उस कुल्हाड़ी को अपनी सुवास से, जो जो उसे हानि पहुंचाने के लिए गई है। संत का स्वभाव ऐसा है, कैसे भी संत के निकट चले जाइए, संत ते होए न कारज हानि, संत से लाभ ही लाभ है। तो यदि आपको जीवन में ऐसा कोई मिल जाए संत, आपको लगे समर्थ है, जिसकी जिसके विचार से, जिसकी वाणी से, जिसके संकल्प से, जिसके भाव से आपके जीवन में परिवर्तन आए, दिन भर जाने कितनी बार सुनने को मिल जाता है, अरे बड़ी सुंदर कथा कहते महाराज, ऐसी कथा कभी नहीं सुनी, सो तो ठीक है, ये तो कला है, ये तो एक कला है, एक गुण है। कथा से जीवन में परिवर्तन हो, कथा से धीरे धीरे संसार छूटे, कथा से धीरे धीरे भगवान मधुर लगने लगे, कथा से धीरे धीरे भजन में मन रमने लगे, कथा से धीरे धीरे संसार का विषय छूटने लगे, तब जानिए कि हाँ इस बात में कुछ बात है। तो यदि आपको जीवन में ऐसा अवसर मिल जाए, तो जब तक वो आपको वचन न दे दे प्रभु के निकट ले जाने का, तब तक आप भी उसके चरण छोड़िएगा नहीं, तब तक आप भी उसके विचार पर बने रहिएगा, तब तक आप भी उसके पद चिन्हों पर चलते रहिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सच्चे संत के पीछे पीछे चलने से लॉटरी नहीं लगती, संसार की उपलब्धि नहीं होती, साधु के पीछे चलने से तो मन का दर्पण साफ होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, संत के पद चिन्हों का अनुसरण तो मन के दर्पण को निर्मल करता है, इसमें प्रभु का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। तो श्रद्धा और विश्वास, और मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा निजी विचार भी हो सकता है, कि श्रद्धा और विश्वास दैवी संपत्ति है, ये प्रयास से नहीं प्राप्त होती, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। सदगुरु की कृपा से, संत जनों की कृपा से, सत्संग की कृपा से ये संपत्ति प्राप्त होती है। और ये नवधा भक्ति का जो प्रसंग है, अपने आप में बड़ा मार्मिक प्रसंग है, महत्वपूर्ण प्रसंग है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि प्रभु के निकट आने का मार्ग प्रभु स्वयं बता रहे हैं, इसीलिए ना तो इसके भाव में कहीं कोई संशय है, ना इसमें कोई त्रुटि की संभावना है, क्योंकि प्रभु ने अपने मुख से स्वयं तक पहुंचने का मार्ग बताया, अपने आप में राजमार्ग है, सीधे सीधे चलते चले जाइए। और मार्मिक इसलिए है कि शबरी ने उपदेश मांगा नहीं, भगवान ने अपने अकारण अनुग्रह से इसे प्रकट किया है, और अकारण अनुग्रह भगवान का कहां होता है, जहां पर श्रद्धा और विश्वास की भूमि होती है, जहां संत और सदगुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा होता है, श्रद्धा होती है, जहां जहां गुरु की कृपा का विश्वास होता है, वहां ये भक्ति का बीज, वहां ये भक्ति का भाव स्वयं प्रस्फुटित होता है। अब प्रयास से नहीं, ये प्रसाद से प्रस्फुटित होता है। ये जो नवदा भक्ति का प्राकट्य हुआ रामचरितमानस के माध्यम से, इसके पीछे प्रयास नहीं है, इसके पीछे प्रसाद है।
ये जो नवदा भक्ति का जो ये प्रसंग है, इस मानस का ये सबसे मार्मिक प्रसंग है, और ये प्रयास नहीं है, प्रसाद है। शबरी ने मांगा नहीं, शबरी ने कहा नहीं प्रभु अपनी भक्ति बताइए, प्रभु ने अपनी कृपा से, अपने अकारण अनुग्रह से शबरी को ये उपदेश किया है। तो आइए, वैसे मैंने आज से पूर्व जहां जहां भी इस प्रसंग की चर्चा की है, मैंने आरंभ तो किया है लेकिन विश्राम कभी इसका आया नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही विस्तृत, भाव भरा, इसमें सिद्धांत भी है, इसमें सरसता भी है, इसमें इसमें विराट भी छिपा है, इसमें विशुद्ध भी छिपा है, इसमें प्रीति भी है, इसमें प्रतीति भी है। तो जो भाव प्रभु मुझे देंगे, मैं उनकी कृपा का आश्रय लेकर कहूँगा, आप श्रवण करिए, मैं कीर्तन करता हूँ, और इस श्रवण और कीर्तन की कृपा हो कि आपके मेरे दोनों के जीवन में भगवत स्मरण सहज हो जाए, भगवत स्मरण सिद्ध हो जाए। कुछ देर के लिए मेरे साथ भगवान नाम लीजिए और हम गोस्वामी जी के, और वस्तुतः मानस गोस्वामी जी को माध्यम बनाकर प्रकट की गई है। वस्तुतः तो मानस सदा शिव का हृदय है, ये वो मानसरोवर है जिसमें स्वयं भगवान शंकर सतत रमण करते हैं। और संयोग कह लीजिए कि ये श्रावण का पवित्र मास और शिवरात्रि की पावन बेला निकट है, मुझे बड़ी श्रद्धा है मानस की इन पंक्तियों में, प्रभु ने अपने मुख से उच्चारण किया है, जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमार। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जा। ये त्रिभुवन गुरु का दिया हुआ प्रसाद है, और हरि मंदिर है, हर की कृपा है, और हरि हर की कृपा के आश्रय से एक अवश्य मैं आपको निवेदन करूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि कोई कथा कहानी नहीं है, ये एक भाव की धारा है। हो सके यदि आपको अनुकूल पड़े तो प्रथम भक्ति सिखाती भी यही है कि संतन करी संगा, इसमें प्रयास है। हो सके तो ये 5 दिन आप व्रत लेकर, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं कहता आंखन की देखी, ये मेरे जीवन का अनुभव है। 5 दिन हो सके तो व्रत लेकर आपके ये केवल आपके लिए कथा का श्रवण ना हो, ये आपके लिए एक अनुष्ठान करने जैसा हो। आपने आज तक बहुत अनुष्ठान किए होंगे, मंत्र जपा होगा और तीर्थ दान धर्म व्रत सब किया होगा, आप धर्म परायण लोग हैं। हो सके तो इस बार मेरे कहने से 5 दिन कथा श्रवण का व्रत अनुष्ठान लेकर देखिए। शिवरात्रि के दिन इस कथा को मैं विराम दूंगा। एक बार मेरे कहने से, समय अनुकूल है, ऋतु अनुकूल है, भूमि पावन है, प्रभु के चरणों की सन्निधि है, ऐसा दिव्य और मधुर भाव है आपका और मेरा। ये संयोग है जो आपके मेरे प्रयास से नहीं मिला, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ यहाँ वो नहीं आता जो प्रभु को याद करना चाहता है, यहाँ वो आता है जिसको प्रभु याद करते हैं, वो यहाँ पर आकर बैठता है। आप और मैं याद करने नहीं आए, आपको और मुझे स्मरण किया गया है, तो आप और मैं यहाँ पर आकर बैठे, लाभ लीजिएगा। ये 4 दिन और हो सके तो व्रत लेकर, बड़ा पवित्र भाव लेकर, बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ यहाँ पर बैठिएगा, और उसके बाद मेरी बात ना मानिएगा, उसके बाद अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा, जो वस्तुतः कथा श्रवण का प्रसाद है। आपके उर अंतर में कोई ना कोई भाव, एक एक थाल भरकर जो मोदक भोग लगाया जाता है प्रभु को, तो ये तो निश्चित नहीं है कि आपके हाथ में कौन सा मोदक आएगा, लेकिन यदि आप वहां पर हैं तो कर्ण प्रसाद आपको अवश्य मिलेगा। ठीक इसी प्रकार कथा क्या है, भिन्न भिन्न भाव निवेदन किए जाते हैं प्रभु को। मैं ये नहीं कहता कौन सा भाव किसके लिए नियत होगा, लेकिन जो विराज जो बैठेगा यहां, कर्ण प्रसाद उसके हिस्से में अवश्य आएगा। एक सीकर, एक बिंदु भगवत कृपा का उसके जीवन को अवश्य पवित्र करेगा। आइए हरिनाम लेते हैं और उसके बाद मानस का ये भाव, ये आधार लेकर
आगे की चर्चा में बढ़ेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद करते ही रहते हैं, थोड़ा आप भी कर लीजिए। राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री गीता जी में भगवद वाक्य है, यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, कि सब यज्ञों में जप यज्ञ जो है वो मैं हूं। कलयुग महा कीर्तन प्रधाना, हरिर नामैव केवलम। ये आत्म स्वरूप को पावन करने वाला यज्ञ है। मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति, जब आप कीर्तन करते हैं, कीर्तन की कृपा से जब हृदय भरता है आपका भगवत भाव से, उस समय आप एक-एक आपका आप एक-एक व्यक्ति का हृदय ये सारी सृष्टि को पवित्र करने वाला हो जाता है। बड़ी अद्भुत अपार क्षमता है इस कीर्तन में आपकी जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन कराने की। इसलिए सब ओर से दृष्टि समेट कर, सब ओर से अपने मन की वृत्ति समेट कर प्रयास करिए अपने मन और चित्त को भगवान नाम में केंद्रित करने का भाव से। गोविंद गोविंद राधे 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 गो देखो भाई, अपने स्थान से कोई खड़ा नहीं हो, नीचे बैठ जाओ।